आज संगलदान तक है और मुझे उम्मीद है कि कटरा से भी संगलदान तक बहुत जल्दी पहुंच जाएगी। अब रेल जो है हमें कनेक्ट करेगी और जिसकी हमें बहुत ज़रूरत थी। ये बहुत बड़ा कदम आज उठाया है और मैं मुबारक करता हूँ रेल मिनिस्ट्री को, प्रधानमंत्री को, जिन्होंने इसमें योगदान दिया। जम्मू कश्मीर का आवाम बहुत इसका इंतज़ार कर रही थी कि कब रेल सर्विस जो है वो श्रीनगर से सारे वतन के इलाकों में पहुंच सके। इसकी ये कड़ी अब शुरू हो गई है। आज संगलदान तक है और मुझे उम्मीद है कि कटरा से भी संगलदान तक बहुत जल्दी पहुंच जाएगी। और हमारे जो सबसे बड़ी मुश्किल होती थी कि सड़क उड़ जाती थी, अब रेल जो है हमें कनेक्ट करेगी और जिसकी हमें बहुत ज़रूरत थी। ये हमारे टूरिज़्म के लिए भी बहुत ज़रूरी है, हमारे लोगों के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि वो सफ़र कर सकेंगे मुल्क के दूसरे इलाकों में। हमारा जो माल है वो जा सकता है, वहाँ से आ सकता है। ये बहुत बड़ा कदम आज उठाया है और मैं मुबारक करता हूँ रेल मिनिस्ट्री को, प्रधानमंत्री को, जिन्होंने इसमें योगदान दिया और आज हम इसका पहला कदम देख रहे हैं। मैं सब रेलवे के कारकुनों को, जिन्होंने इसमें काम किया है, जिन्होंने इस रेल को यहाँ पहुँचाने के लिए काम किया है, मैं उनको मुबारकबाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये रेल बहुत अच्छी होगी और हमारे लिए इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। डॉक्टर साहब मुझे बताइए, क्या कुछ उम्मीदें लगाई जा रही है कि ये ट्रेन जम्मू के साथ कनेक्ट? देखिए, हमारी सबसे उम्मीदें बहुत सालों से थी। हमें पहले ये उम्मीद थी कि ये 2007 में तैयार पहुँच जाएगी, मगर हमारा इलाका जो है वो बहुत ही मुश्किल इलाका है, टनल्स बनानी पड़ती हैं और वो टनल्स जो हैं, क्योंकि वो अर्थ जो है वो इतना सॉलिड नहीं है, इसलिए मुश्किलें बहुत आ गई। और मगर इन्होंने उन मुश्किलों को पार कर दिया और पहला कदम शुरू हो गया और मुझे उम्मीद है कि जून जुलाई तक ये कनेक्ट हो जाएगा। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।